सारा एक तरफा इस समय तो 2024 का चुनाव ही एक तरफा चुनाव हो रहा है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। आपने देखा रामपुर चाहे मुरादाबाद हो अच्छा अमरोह हो चाहे जहां पर खड़े हैं संबल एक तरफा मतदान होने 2024 में अब की बार 400 के पार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाले वक्त सर आने वाला जो चुनाव 2024 का है किस तरह से स्टैंड कर रहे हैं और क्या तैयारी की जा रही है? सारा एक तरफा इस समय तो 2024 का चुनाव ही एक तरफा चुनाव हो रहा है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मोदी अगला देश का विश्वास प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहा है और इसको लोग उत्सव उल्लास के रूप में देख रहे हैं। आपने देखा रामपुर चाहे मुरादाबाद हो अच्छा अमरोह हो चाहे जहां पर खड़े हैं संबल एक तरफा मतदान होना। सर महिलाओं के अधिकार के लिए लगातार एलपीजी अभी इस तरह से किया गया है। फिलहाल मेरे साथ अभी कुछ और भाजपा के यहाँ लीडर है। सर किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह 2024 का चुनाव है क्या क्या मान रहे हैं? 2024 में अब की बार 400 के पार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सब संकेत आप सबके सामने है। पूरा देश और उत्तर प्रदेश में जो परचम लहराएगा जो मोदी जी ने काम किए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। सबका साथ सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में पुनः जो सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार। सर जैसे महिलाओं के लिए एलपीजी अगर अभी छूट दी है उसमें किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा विपक्ष कह रहा है कि लगातार ये स्टंट कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण में जो है अभी 100 रुपए की परसों छूट दी है, पहले भी छूट दी है। सर मैं अभी मेरे साथ यशवंत साहब हैं। सर सर एक मिनट सर अभी भाजपा के लीडर सर किस तरह से देख रहे हैं भाई आपको 2024 भाजपा पेड़ टिकड़ी मारेगी अपने मोदी जी तिवारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या देखते हैं सर? जिस तरह से अभी यहाँ पर आए हैं लगातार कार्यक्रम मोदी जी आए उनका ऐलान किया आने वाले चुनाव में किस माहौल से देखते हैं और क्या चाहते हैं आप? बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी ने बहुत अच्छी वर्क करी है, शासन प्रशासन दोनों ही बन रही है। संबल गढ़े हैं समाजवादी पार्टी का, पिछली बार भी रहे अब उनकी जगह यहाँ अखिलेश जी आए राहुल आए लगातार लोग आके जुड़ रहे हैं। इस हालात में क्या भाजपा अपना परचम लगाएगी? विपक्ष वाली पार्टियों वाले सब लोग कार्यकर्ता आते हैं, बड़े कार्यकर्ता आते हैं। बाकी भाजपा जो है इस बार मुस्लिम वोट भी हमें मिले। क्या कहना है सर इस बारे में? जैसे इस बार 2024 में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार सीटें जाएंगी। जो योगी जी की योजनाएं हैं वो सब पूरा सब समाज जो है वोट देगा और यही क्या चाहते हैं सर? क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान। सलमान क्यों आप जैसे वोट क्यों देना चाहते हैं? बताओ क्या ऐसा क्या है? विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं किया, लगातार अपराध बढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसा हमारा आवास नहीं था इन लोग हम लोगों को आवास भी दिए, शौचालय नहीं था हम लोगों को शौचालय भी दिए और आई सबसे बेहतर ये कि हमारे जीवन की रक्षा करी। हमारे पास आयुष्मान कार्ड, हमारा बीमार हो जाते थे ऐसे नहीं होते थे, हम सब तरफ भटकते फिरते थे, डॉक्टर लोग हम भगाते करते थे, हमारी मृत्यु भी हो जाती थी लोगों की। लेकिन आयुष्मान कार्ड दे करके मोदी जी ने हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है। हम आयुष्मान कार्ड ले जाते हैं और फिर अपना इलाज कराते हैं। इस हालात में समाजवादी गढ़ है, क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता है मुस्लिम है किस तरह से जुड़े हैं और क्या जोड़ेंगे आगे लोगों को? लोगों को लगातार जोड़ना है, जैसे सलमान साहब ने बताया कि हमारा आयुष्मान कार्ड जो है वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं सभी के लिए था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए था। तो मोदी जी ने इतना बड़ा काम करा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मोदी जी को तिवारी प्रधानमंत्री बनाए और यहाँ का जो आप बता रहे हैं समाजवादी गढ़ है वो गढ़ टूटेगा आपके और पिछली बार भी टूटा था 2014 में हमने तोड़ा था। किस तरह से देखते हैं आप 2024 की योजनाओं को लेकर? योगी जी की योजना को लेकर गुंडे खत्म हो गए हैं बिल्कुल। संबल में जो गुंडे घूमते थे खुलेआम घूमते थे महिलाओं को लिए छेड़ते थे वो सारी चीजें आज खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर विकास तो है ही हमारा और विकास के साथ में सुरक्षा भी हमने दी तो संबल में इस बार हम कमल खिलाने जा रहे हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव को किस तरह से ये देखते हैं और किस तरह से हालात रहते हैं। लेकिन फिलहाल समाजवादी के गढ़ में लगातार चयन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर मोदी प्रधानमंत्री आए थे, उसके अलावा कई लोग यहाँ जुड़ते हुए आए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा फिलहाल जनता से भी बात की, अब जनता के मन में है क्या अब संबल में जो गढ़े समाजवादी का वो टूटेगा और यहाँ पर फिर कमल खिलेगा। देखना ये कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले चुनाव में कौन अपना परचम ले रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ टीवी 9 भारत वर्ष संबल मुजम्मिल दानिश।